हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। भूमि पेडनेकर जब दम लगाकर हईशा में दिखाई दी थी तो वो एक्ट्रेस के तौर पर तो सबको बहुत पसंद आई थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतने आगे तक जा पाएंगी। दरअसल उस मूवी के रोल में वो इतनी रियलिस्टिक लगी थी कि उन्हें एक ग्लैमरस एक्ट्रेस या कहें लीड एक्ट्रेस के तौर पर इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने ये चमत्कार करके दिखा दिया। उन्होंने उस सोच को तोड़ दिया जहां ये सोचा जाता है कि ऐसी टिपिकल लुक्स वाली एक्ट्रेस सर्वाइव नहीं कर पाती। पर भूमि की एक और खास बात है जो कि आप नहीं जानते हैं कि उनकी मूवी दम लगाकर हईशा में उनका रोल जितना इंटरेस्टिंग था, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी पर्सनल लाइफ भी है। उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। भूमि पेडनेकर एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं और उन्हें यह बोल्डनेस उनके परिवार से मिली है। मुंबई में जन्मी भूमि के पिता मराठी हैं और माँ हरियाणवी हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के होम एंड लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, पर बाद में उनकी ओरल कैंसर से डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनकी माँ एक एंटी टोबैको एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगी। भूमि पेडनेकर दो बहन हैं। उनकी एक बहन लॉयर है और बहुत हद तक भूमि जैसी ही दिखती हैं। भूमि अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बहन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अगर भूमि की बात की जाए तो उन्होंने जुहू के आर्य विद्या मंदिर से अपनी स्कूलिंग पूरी की है। भूमि को शुरू से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पेरेंट्स ने इनका एडमिशन विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में करवा दिया, पर इसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ा। भूमि उस समय 15 साल की थी। वो अक्सर ऑब्जर्व करती थी कि इस उम्र के बच्चे क्लासेस और कॉलेज में कम दिखाई देते हैं और कैंटीन और बड़ा पाव के ठेले के सामने ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए उन्होंने भी क्लासेस बंक करके मौज मस्ती करनी शुरू कर दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके अटेंडेंस काफ़ी कम होने लगे और उनके कम अटेंडेंस होने के कारण उन्हें उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया। अब जिस पढ़ाई के लिए लोन लिया गया हो और बच्चे को स्कूल से ही निकाल दिया गया हो तो माँ बाप का बच्चे का क्या हाल करेंगे आप सोच ही सकते हैं। भूमि को भी अपने पेरेंट्स के गुस्से का शिकार होना पड़ा, इसलिए उन्होंने जॉब करने की ठानी ताकि वो लोन चुका सके। अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उन्होंने यशराज फिल्म्स में असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर का पोस्ट खाली देखा और अप्लाई कर दिया। संयोग से वहाँ उनका हो भी गया। अब वो यशराज फिल्म्स में शानू शर्मा के अंदर काम करने लगी और यह काम उन्होंने 6 साल तक किया। उन्होंने वहाँ काम करके ना केवल अपना लोन चुकाया बल्कि उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि उन्हें क्या करना है। शुरू में तो वो डायरेक्शन में फोकस करना चाहती थी, लेकिन उनकी बॉस शानू शर्मा को उनके अंदर एक टैलेंटेड एक्ट्रेस नज़र आती थी। जब शानू शर्मा को दम लगा के हईशा मूवी के लिए एक्टर कास्ट करने को कहा गया तो उन्होंने भूमि को इस मूवी के बारे में बिना बताए ऑडिशन देने को कहा। ऑडिशन में उन्हें भूमि ठीक लगी, पर भूमि को अभी तक इस बात की भनक नहीं थी कि उन्हें कास्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। भूमि ने लगभग 100 ऑडिशंस दिए और तब जाकर वो सेलेक्ट हुई। फिर उन्हें बताया गया कि इस रोल के लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना होगा। भूमि ने इस रोल के लिए अपना वजन बढ़ाकर 90 किलो तक कर लिया था। इस फिल्म से जुड़ा उनका एक मज़ेदार किस्सा भी है। फिल्म के लास्ट सीन में जब उन्हें उठाकर हीरो को दौड़ना होता है तो इस सीन के लिए आयुष्मान खुराना के बॉडी डबल को बुलाया गया था, पर उनका बॉडी डबल भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद भूमि को उठा नहीं पाया था। बाद में आयुष्मान खुराना को ही कोशिश करनी पड़ी। आयुष्मान ने अपने फिटनेस का परिचय दिया और वो भूमि को उठाकर दौड़ पाए। बाद में भूमि ने गूगल और अपनी माँ के नुस्खों की मदद से महज 4 महीने में अपना 32 किलो वजन कम कर लिया। अब वो अपने रियल फिगर में आ गई थी, पर अब उन्हें अपने इमेज बदलने की ज़रूरत थी और यह उनके लिए मुश्किल काम नहीं रहा। एवरेज लुक के बावजूद वो अपने एक्टिंग के बल पर कमर्शियल सिनेमा में भी ज़बरदस्त रोल पाती रहीं और हिट फिल्में देती रहीं। वो अक्सर ऐसी फिल्में चुनती जिसमें कुछ सोशल मैसेज होता या फिर उनका रोल हीरो के इक्विवेलेंट होता। ना तो भूमि ने अपने आप को अंडरस्टिमेट किया और ना ही उन्होंने कभी किसी को ऐसा करने दिया। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे वक्त से जुड़े होने के कारण ना केवल उन्हें टेक्निकल नॉलेज की अच्छी जानकारी है बल्कि उनकी जान पहचान भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा काम करने के बावजूद भूमि को एक बात अखरती थी और वह था एक्ट्रेस को एक्टर से कम पैसा मिलना। हीरोइन को हीरो की पेमेंट का महज 5% मिलता था और यह बात उन्हें बहुत ही इंसल्टिंग और हार्ट ब्रेकिंग लगती थी, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। भूमि बहुत वोकल हैं और बहुत जागरूक भी। वो पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी काफ़ी जागरूक हैं और उन्होंने इसके लिए क्लाइमेट वॉरियर नाम से एक कैंपेन भी चलाया था। भूमि को अपने काम से बेहद प्यार है और शायद इतना कि उन्हें अफेयर करने का वक्त तक नहीं मिल रहा। कॉलेज में उनके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, पर इंडस्ट्री में इतने लंबे वक्त से काम करने के बावजूद उनके एक भी अफेयर की खबर कभी नहीं आई। भूमि काफ़ी एम्बिशियस भी हैं और ऐसा लगता नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग तक रुकने वाली हैं।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के बायो लिंक में खुद को एक लीडर भी लिखा है, तो संभावना है कि भविष्य में वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। वैसे उनके पिता चाहते थे कि वो एक IFS बने, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में जाए। भूमि कोविड के दौरान भी काफ़ी एक्टिव रही थी और लोगों को कोविड संबंधी जरूरतें पूरा करने के लिए लीड्स प्रोवाइड करने में मदद कर रही थी। अब तक भूमि के किए गए रोल से दर्शक काफ़ी खुश हैं। आने वाले साल 2022 में उनकी 4 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें एक बधाई दो, मिस्टर लेले, रक्षाबंधन और भीड़ है। उम्मीद है इसमें भी भूमि का कुछ नयापन देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।